गंगा किनारे बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर पर सियासत, अब कमलनाथ ने उठाई सवाल, जाने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में दावों और वादों का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तस्वीर पोस्ट की। अब इस तस्वीर पर सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सीएम ने गंगा नदी किनारे बैठे तस्वीर जारी की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रभाव, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को श्वास्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगी। उनकी तस्वीर पर अब कांग्रेस की एमपी इकाई के चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गंगाजल पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। पूर्व सीएम ने लिखा, मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस पूजनीय गंगा माँ के किनारे शांति की तलाश में वो कैमरों की टीम के साथ गए, उस गंगा माँ के गंगाजल पर उनके दल की बीजेपी सरकार द्वारा जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस नेता ने लिखा, मुझे आशा है कि बीजेपी में भी जो कुछ अच्छे नेता और समर्थक बचे हैं वो भी गंगाजल पर जीएसटी लगाने के हमारे इस विरोध का समर्थन करेंगे। कमलनाथ ने लिखा, बीजेपी ने पहले राजनीति को व्यवसाय बना दिया, अब गंगा के पवित्र जल को भी व्यापार समझकर उस पर भी टैक्स लगा रही है। गंगाजल पर टैक्स लगाना बीजेपी का आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।